एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस एनिमे के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाकर देख कर आओ, नहीं तो आप लोगों को ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में नासा सुकासा के साथ लेटा हुआ होता है और नासा बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। अब हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकासा सो रही होती है और वो सोते सोते चलने लगती है और फिर वो पानी पीती है और फिर वो नासा के बेड के पास चली जाती है और फिर वो नासा के हाथ को लेकर नासा के हाथ के ऊपर नासा के साइड में सो जाती है और नासा बोलता है तो ये सब कुछ हुआ है और अपने मन में बोलता है तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसे हक करूं। फिर नासा सुकासा को हक कर लेता है और अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था कि लड़कियों से इतना ज्यादा अच्छी स्मेल आती है और मुझे बहुत ही ज्यादा वार्म फीलिंग भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लगता है मैं पागल ही हो जाऊंगा। और तभी सुकासा की आँख खुलती है और नासा सुकासा को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन सुकासा तभी नासा को किस कर लेती है और नेक्स्ट सीन में सुकासा फिर से नीचे चली जाती है। नासा बोलता है मेरी वाइफ जो कुछ मिनट बाद ही नीचे चली गई, लेकिन जाने से पहले मैंने उसे 3 बार और किस कर लिया। अब अगले दिन सुकासा बोलती है नासा क्या तुम सोए नहीं। नासा बोलता है कि नहीं नहीं मैं सोया था और अपने मन में बोलता है लेकिन उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई। अब नासा डबल बेड लेने का सोच रहा होता है और बोलता है हमें शायद एक अपार्टमेंट रेंट लेना चाहिए ताकि हम लोगों के पास एक बड़ा सा बेड हो जाएगा और हम लोग एक टीवी भी ले सकते है और फिर सोफे में बैठ कर हम दोनों रोमांटिक मूवी देख सकते है। और अचानक नासा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है बड़े अपार्टमेंट में तो बाथरूम भी होगा और इमेजिनेशन करने लगता है जहाँ पर सुकासा नहा रही होती है और सुकासा बोलती है कि नासा क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। और ये बातें सोचकर नासा बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा जाता है। इसके बाद नासा सुकासा के पास जाकर बोलता है क्यों ना हम दोनों एक बड़े से अपार्टमेंट में चले जाए। सुकासा बोलती है क्यों यही पर ही तो सब कुछ सही है। नासा बोलता है लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। सुकासा बोलती है लेकिन इसके वजह से मैं तुम्हारे ज्यादा क्लोज रह पाती हूँ। और ये सुनने के बाद नासा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और अपने मन में बोलता है ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, लगता है जो हो रहा है वो सही हो रहा है। देन अगले सीन में नासा कनामे के बाथ हाउस में होता है। कनामे बोलती है क्या तुम घर चेंज करने की सोच रहे हो। नासा बोलता है हाँ सोच रहा हूँ, वहाँ पर दो लोग अच्छी तरीके से सो नहीं पाते। कनामे बोलती है तो तुम दोनों एक ही बेड में नहीं सोते। नासा बोलता है कि हाँ मैं बेड पर सोता हूँ और सुकासा नीचे सोती है। कनामे बोलती है मतलब कि तुम दोनों कभी भी हाथ पकड़ कर नहीं सोए। और ये सुनने के बाद नासा इमेजिनेशन करने लगता है और बोलता है मुझे सब कुछ सेम लेवल पर लाना होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कनामे बोलती है क्या सुकासा चेंज करना चाहती है घर। नासा बोलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अगर हमने घर चेंज किया तो उसमें बाथरूम भी होगा और तब हम तुम्हारे बाथ हाउस में और नहीं आ पाएंगे, तो चीजें जैसे चल रही है वैसे ही चलने देते हैं। कनामे बोलती है कि अच्छी बात, अगर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे ऐसे छोटे अपार्टमेंट में रखा और अगर वहाँ पर बाथरूम नहीं हो तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और ये सब कुछ सुनकर नासा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देन अगले सीन में नासा घर जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है कनामे सही बोल रही थी, हम लोग इतने छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, लेकिन अगर मैंने उसे फोर्स किया बड़े अपार्टमेंट में जाने के लिए तो मुझे छोड़कर चली ना जाए, मुझे जो भी बोलना पड़ेगा वो मैं सोच समझ कर ही बोलूंगा। देन अगले सीन में नासा घर पहुंच जाता है और घर आने के बाद बोलता है मैं घर आ गया। और जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो घर के अंदर सुकासा कपड़े चेंज कर रही होती है और नासा वो देख लेता है और ये देखने के बाद नासा बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में नासा और सुकासा बाहर होते हैं और नासा सुकासा को बोलता है तो तुमने देखा ना कि छोटी जगह पर रहने के लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो मैं अब तुम्हें कुछ फायदे बताऊंगा बड़े अपार्टमेंट में रहने में। सुकासा बोलती है कि ठीक है। नासा बोलता है अभी तुमने पहले बोला था कि तुम यहीं पर ही ठीक हो। सुकासा बोलती है कि घर चेंज करने में पैसा और टाइम दोनों ही खर्च होगा, तो मैंने सोचा था कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते है। नासा बोलते है कि अच्छा, लेकिन अगर हम बड़े अपार्टमेंट में रहे तो हम प्रोजेक्टर लेकर मूवी भी देख सकते है बिल्कुल थिएटर जैसे, और दीवार पर तुम्हारे फेवरेट डीवीडी भी रखेंगे। और ये सब कुछ सुनकर सुकासा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है लेकिन इन सब में खर्चा कितना आएगा। नासा बोलता है मैं तुम्हें और एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम दोनों सेम सरफेस लेवल पर सोएंगे तो हम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर भी सो सकते है। सुकासा ये सुनकर शर्माने लगती है। देन अगले सीन में सुकासा और नासा कहीं पर जा रहे होते है और सुकासा बोलती है अगर हम अपार्टमेंट खरीदते है तो उसके ऊपर गारंटी देने वाला एक बंदा भी तो चाहिए। नासा बोलता है उसके लिए मेरे पेरेंट्स है। वेट, मैंने तो उन लोगों को बता ही नहीं कि मैंने तो शादी कर लिया है। देन अगले सीन में नासा घर पहुंचता है और घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स को फोन लगाता है और बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैंने शादी कर लिया है। फिर फोन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली आवाज सुनाई देती है। नासा बोलता है कि प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तुम लोगों को उस लड़की के बारे में बताया था। हाँ, वही लड़की जिसने मेरी जान बचाई थी, वही सुपर क्यूट गर्ल। और पीछे से सुकासा ये सब कुछ सुन रही होती है और ये सुनकर सुकासा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है।
तभी सुका सब पीछे से नासा को बोलती है, वेट, तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में क्या बताया? मैंने तो उन लोगों को सिर्फ यही बताया कि बहुत ही ज्यादा एक प्यारी और क्यूट लड़की ने मेरी जान बचाई। सुका सब बोलती है, अब तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं उनसे मिलूं तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी? नासा बोलता है कि नहीं नहीं, क्योंकि मैंने तो उन लोगों को सच ही बताया है। सुका सब बोलती है कि हम दोनों को उन लोगों से मिलना चाहिए। देन अगले सीन में हम नासा और सुका सब को बाहर देख पाते है। नासा बोलता है, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलवाना ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा अजीब भी है। तभी नासा के फोन में उसके मॉम का टेक्स्ट आता है और उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि मुझे पता चल गया है सब, तुम्हारा अपार्टमेंट कपल के लिए छोटा है, इसलिए तुम लोग उसको चेंज करने की सोच रहे हो, जिसके लिए तुम्हें गारंटर चाहिए। इसके वजह से ही तुमने हमें कॉल किया और अपने शादी के बारे में भी बता दिया। और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे घर के गारंटर बने तो नेक्स्ट वीक तुम्हारे वाइफ से हम लोगों को मिलवाना होगा। और अब ये डिसाइड करते हैं कि ये नासा के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। सोका सब पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं? नासा बोलता है कि नारा में रहते हैं। देन अगले सीन में ये बात शार्लेट और अरोरा ये सब बात को चीटोसे को बता देते हैं, जिसे सुनकर चीटोसे बोलती है कि मतलब कि नासा टोक्यो का नहीं है। अरोरा बोलती है कि वैसे ये चीज उनके लिए हनीमून जैसा होगा, जिसे सुनकर जो चीटोसे है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें नासा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है, अगर मैं टोक्यो से नारा में जाऊँ तो रास्ते में मैं अपने वाइफ के साथ घूम भी सकता हूँ, और अगर मैं इसको हनीमून की तरह समझूं तो पेरेंट्स के घर जाना उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और नासा जो है वो ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। सुकासा बोलती है, अगर हम जा ही रहे हैं तो मुझे एक कैमरा चाहिए। फिर नासा सुकासा को एक कैमरा दिलवा देता है। सुकासा बोलती है, इसमें मैं हमारी नई लाइफ की न्यू पिक क्लिक करूंगी और मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ हमारी न्यू लाइफ का, ये एक सीक्रेट डायरी जैसी होगी। नासा बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्या मैं तुम्हारी कुछ पिक्चर क्लिक कर सकता हूँ? फिर नासा सुकासा की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है और फिर पिक्चर से लेता ही जाता है। तभी सुकासा नासा के हाथ से कैमरा छीन लेती है और नासा का ही एक पिक्चर क्लिक कर देती है, और उस पिक्चर को देखकर नासा बोलता है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। देन अगले सीन में नासा और सुकासा जो है वो नासा के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं और नासा सुकासा से बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ट्रेन से नहीं जाना चाहती? मेरे पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट लेने के पैसे है। सुकासा बोलती है कि बस ही सही है। अब बस के अंदर सुकासा पूछती है, हम क्योटो कब पहुंचेंगे? नासा बोलता है, कल सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे। सुकासा बोलती है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। नासा बोलता है, कहीं तुम डिसअपॉइंट ना हो जाओ मिलके। सुकासा बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। फिर हमें चीटोसे को दिखाया जाता है और चीटोसे बोलते हैं कि चलो उस बस का पीछा करे। अरोरा बोलती है कि अगर उसको पता चल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। चीटोसे बोलती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है, मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। अब हमें नासा को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, इस सीट में बैठना बहुत ही ज्यादा अनकम्फर्टेबल है, एक इतनी ज्यादा हार्ड सीट है, लेकिन सुकासा कितना ज्यादा आराम से सो रही है और सोते वक्त ये बहुत ही ज्यादा प्यारी भी लग रही है, काश ये मेरे कंधे पर सर रख दे। और तभी बस हिलता है और सुकासा जो है वो नासा के कंधे पर गिर जाती है और नासा शर्माने लगता है और बोलता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकता। अब बहुत देर के बाद बस कहीं पर रुकती है और सुकासा नासा को देखती है और बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? नासा बोलता है, इतनी हार्ड सीट से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? सुकासा बोलती है कि नहीं, एसी भी ऑन था और मुझे तो कंफर्टेबल फील हुआ। नासा अपने मन में बोलता है, मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ये किसी भी जगह आराम से रह लेती है। सुकासा तभी बोलती है, क्या हमें ट्रेन ही ले लेनी चाहिए थी? नासा अपने मन में बोलता है, वेट, कहीं ये अपनी गलती ना समझ ले, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और फिर नासा अपनी कमर को सीधी करता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो फूड कोर्ट चलते हैं। और ये सब कुछ चीटो से शार्लेट और अरोरा देख रहे होते हैं। शार्लेट तभी बोलती है, तुम इतने अच्छे कपल के रिलेशन को क्यों तोड़वाना चाहती हो? चीटो से बोलती है कि तुम चुप रहो, तुमने नारिटा डिवोर्स के बारे में तो सुना ही होगा, वो एग्जिस्ट करता है और इसका एक रीजन भी है, क्योंकि हनीमून कपल्स के लिए डेंजरस होता है और मैं ये इनको सिखा कर रहूंगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।